वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीडी प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कोलम्बस लॉ के बारे में। कोलम्बस लॉ क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो वो आर है, तो ये हमें बताता है कि इनके बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो दरमियान लगेगा वो कितना होगा, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, यानी कि थ्री चार्ज प्रॉब्लम्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे एग्जाम ट्रिक के लिए, हम कैसे डायरेक्ट हमें आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस, यानी कि हमारे पास दो चार्ज अगर है, फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो चार्ज है, हमें अभी नहीं पता ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमें एक और चार्ज यहाँ पे रखना है, तो हमें ये जगह बतानी है कि किस जगह पर, किस डिस्टेंस पे हम ये क्यों चार्ज लगाएंगे, ताकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजिशन हो, ताकि हर एक चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाए, या प्लस क्यों या माइनस क्यों जो हम चार्ज इसके बीच में लगाएंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, वो हम देखेंगे अभी। देखो फर्स्ट केस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो चार्जेस, एक हमारे पास है प्लस क्यू, दूसरा भी हमारे पास जो है वो है प्लस क्यू। तो अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे, पहले केस में प्लस क्यू लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मिड पॉइंट, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, हमने मिड बताया यहाँ पर, अभी हम प्रूव भी करेंगे क्या ये मिड पे ही होता है। अगर वो अब डिफरेंट है, अगर हमारे पास फर्स्ट है प्लस क्यू, दूसरा है प्लस फोर क्यू, तब कहां पे हमारी तीसरी चार्ज लगानी है वो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे जो केस है, हमारे पास है प्लस क्यू, हमारे पास है प्लस क्यू, हमने एक चार्ज लगाया क्यू, ठीक है ना, हमारे पास प्लस क्यू है, दूसरी पास हमारे पास प्लस क्यू है, बड़े चार्ज है, तो हमने प्लस क्यू लगाया, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये सेटेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो समझ नहीं आया ये सेटेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको जब पूरे लेक्चर देखोगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा, स्पेशल केस जो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें हेल्प करता है। ये भी हमारे पास प्लस चार्ज है, ये भी हमारे पास प्लस चार्ज है, एक हमने एक और चार्ज लगाया प्लस चार्ज, एक और चार्ज लगाया प्लस चार्ज। देखो तो ये जो है ना, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ये इसको यहां खींचेगा, ये इसका फोर्स यहां पे लगेगा और इसका फोर्स जो है यहां पे लगेगा। सिंपली इसका फोर्स जो है इस पे कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो है ये सिटी, ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, लेकिन सिटी बोले इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ना यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा। ये फर्स्ट केस है, ये सिटी बोले इक्विलिब्रियम और प्लस क्या रहेगा, और यहां पे कौन सा कौन रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, प्लस क्यू चार्ज, जो चार्ज हम लगाएंगे, इस चार्ज की हम बात करें। और सेकंड केस अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे क्या लगाया, प्लस क्यू, यहां पे भी लगाया प्लस क्यू, अब हमने यहां पे क्या लगाया, माइनस, हमने क्या लगाया, माइनस क्यू। अब देखो ये भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन ये रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी समझ नहीं आया। देखो ये प्लस है, ये इसको क्या करेगा, यहाँ के खींचेगा, ये इसको क्या करेगा, यहाँ की ओर खींचेगा, जब ये यहाँ की ओर खींचेगा, ये यहाँ की ओर खींचेगा, कभी ये इस साइड मूव करेगा, कभी ये इस साइड मूव करेगा, इन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है, कहीं यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, यहाँ मतलब ऐसे ऐसे करेगा, तो दैट मीन्स ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो पोजीशन होगी ये कौन सी पोजीशन होगी, ये अनस्टेबल पोजीशन होगी, ये भी पॉजिटिव, हमने थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ज हमने लगाया है, तो ये यहाँ पे भी खींचता है, यहाँ पे भी खींचता है, तो कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, तो हमारे पास जो पोजीशन आ गई दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज। अब हमारे पास है थर्ड केस हमारे पास क्या है, अगर हमने इसको भी यहाँ पे हम थर्ड लगाएंगे, देखो अगर हमने इसको भी माइनस कर दिया, अगर इसको भी माइनस कर दिया, अगर इसको भी माइनस कर दिया,
अब हमने इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बीच में क्या लग गया, बीच में प्लस टू लग गया, ठीक है ना। अब बीच में क्या लग गया, बीच में प्लस टू चार्ज लग गया। अब कभी ये खींचेगा, कभी ये खींचेगा, ये हमारे पास बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब है फोर्थ, फोर्थ में क्या है, ये हमने नेगेटिव चार्ज लगाया, ये हमने क्या लगाया, ये भी हमने क्या लगाया, नेगेटिव चार्ज लगाया। अब बीच में भी हमने क्या लगाया, मिड पॉइंट पे ये भी नेगेटिव चार्ज लगाया। अब ये देखो, ये देखो, ये जो पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन होगी, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये पोजीशन जो होगी ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, लेकिन ये कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये सेटेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये सेटेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है ना, सेटेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहां तक क्लियर। ये हमारे पास चार केस है, फर्स्ट केस लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नोट कर के रखेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, हमने बीच में प्लस क्यू चार्ज, हमने क्या बताया, हमने बताया प्लस क्यू चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मगर कौन सी, सेटेबल। अब दूसरा केस हमने लिया प्लस क्यू, ये हमने लिया प्लस क्यू, हमने बताया यहाँ पे छोटा सा चार्ज माइनस क्यू लगाया, ये जो पोजीशन बताया हमने माइनस क्यू जो है ये भी तो इक्विलिब्रियम है, ये भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ आया कि नहीं, ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, हमने एक क्या रखा, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, अगर हम माइनस क्यू ही लगाएंगे तो ये भी आएगा इक्विलिब्रियम, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये कौन सा पोजीशन होगा, कभी ये क्या करेगा, ये अपनी साइड उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं ये रिपल करेगा, ठीक है, ये यहां पर रिपल करेगा, ये यहां पर रिपल करेगा, मतलब इसका फोर्स यहां पर लगेगा, इस क्यू का फोर्स यहां पर लगेगा, तो ये क्या रहेगा, ये पोजीशन पे इक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू, अगर हम प्लस क्यू चार्ज लगाएंगे, जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, लेकिन कभी ये अपनी तरह खींचेगा, कभी ये है ना लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपल करते हैं, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक चार्जेस जो हैं, ये जो है ये क्या है, अनलाइक चार्ज, ये क्या है, ये अनलाइक चार्ज है, ये क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेगा, कभी ये अपनी तरह खींचेगा, कभी ये अपनी तरह खींचेगा, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। केस फाइव हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, हम कहां पे, हम हमें एक और चार्ज रखना है ताकि हर एक चार्ज जो सिस्टम पूरा है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम लगाएंगे माइनस क्यू बाय फोर। जब हम माइनस क्यू बाय फोर लगाएंगे ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, लेकिन क्या यहां पे क्या होगा, हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑल चार्जेस will be at equilibrium position, at equilibrium, यहां पे भी equilibrium position होगा, लेकिन कौन सा, unsuitable, लेकिन हर एक charge क्या होगा, equilibrium position पे होगा, और F net zero होगा, ठीक है, ऐसे पास हमारे पास sixth cases हम लगाएंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे sixth case, हमारे पास sixth case है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ना 2013 का, ये डायरेक्ट बनता है इसलिए मैंने याद दिखाया, तो हमारे पास है नेगेटिव क्यू,
हमने यहाँ पर नेगेटिव क्यूर लगाया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएंगे, प्लस क्यू बाय फोर। जब हम प्लस क्यू बाय फोर लगाएंगे तो हम क्या बताते हैं कि ऑल द चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेट होगा ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो स्टेट होगा ये अनस्टेबल स्टेट होगा, ये जो स्टेट होगा ये अनस्टेबल स्टेट होगा। यहां तक सिक्स केस के लिए ठीक, यहां तक सिक्स केस के लिए हमारे सिक्स केसेस यहां तक क्लियर, तो आगे होंगे सबको समझ, ठीक है। अब दो स्पेशल केसेस हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा पहला जो है वो हमारा क्लियर हो। दो चार्ज हैं, प्लस हैं, बीच में हमने प्लस रखा, कभी कभी क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसमें मजा नहीं आ। फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव है, बीच में हमने एक पॉजिटिव रखा, छोटा सा चार्ज हमने रखा, ये यहां पे क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इस साइड से रिपल करेगा, तो जो बीच वाला फोर्स है, जो वो बीच वाला जो छोटा सा चार्ज है वो ना इधर जाएगा ना, ठीक है ना, तो यहां पे जो है ये भी चार्ज बनेगा, ये भी जो यहां पे जो क्या बनेगा, यहां पे जो स्टेट बनेगा प्लस के ऊपर ये इक्विलिब्रियम आएगा और ये स्टेबल होगा, और ऐसे ही प्लस हमने नेगेटिव लगाया तो ये जो है अनस्टेबल होगा, तो ऐसे ही हमारे पास तीसरा चौथा पांचवा छठा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिलेट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो ठीक, तो दैट इज हमारा फर्स्ट चार्ज। अब हम स्पेशल केस पे आ जाएंगे, देखो स्पेशल केसेस क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि हम कहां पे चार्ज रखेंगे, स्पेशल केस में आएंगे या मेंटास मेथड भी हम कहेंगे उसको। हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव है, दो चार्ज जो है ये पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव प्लस माइनस है, प्लस है या माइनस है, व्हाटएवर जो आपको लगे प्लस है या माइनस। अगर ये पॉजिटिव है और इसकी इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मानो आप, वो आर मानो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करे, आर से डिनोट करो, एल से डिनोट करो, ए से डिनोट करो, जिससे आपकी बात। तो हमें क्या बताता है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कोई चार्ज है, दो लाइव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ठीक है ना, या ये मानो प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस क्यू, तो इसको हम रखेंगे क्यू वन नाम, इसको हम बोलेंगे क्यू। अब ये जो दो चार्ज हैं ये लाइव चार्ज है, इनकी या दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या है, नेगेटिव है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक तीसरा चार्ज लाना है जो क्या करे, जो इन इस सिस्टम को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाएगा। तो वो चार्ज हम कहां पर रखेंगे ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, तो हमें इसके लिए क्या है, शॉर्ट फार्मूला है, अभी आपको आगे आगे क्वेश्चंस में भी समझ आ जाएगा, इस क्वेश्चन में भी समझ आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला है अंडर रूट ऑफ क्यू वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू, जो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनटू आर या इनटू एल या इनटू ए, जो आपकी मर्जी हो, जैसे क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऐसे मैथ, ठीक है ना। अब ये जो चार्ज होगा ये होगा इनसाइड, और कहां होगा, फ्रॉम स्मॉल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहां पर क्यू, यहां पर है प्लस फोर क्यू, चार्ज जो होगा वो इस जिस एल, फॉर एग्जाम्पल एल बाई थ्री है, तो यहां से एल बाई थ्री इस चार्ज फ्रॉम क्यू स्मॉल चार्ज, ठीक है ना, और इनसाइड होगा। तो ऐसे हमारे पास एक और केस है जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी अनलाइक चार्ज है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्यू वन है ये क्यू टू है, तो हमें क्या बोलना है, हमें ये देखना है एक और चार्ज हमें लानी है, हमें ये बताना है कि किस पोजिशन पे हम एक और चार्ज लाएंगे ताकि यहाँ पे क्या आएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास है, हमें ये देखो आर है एल है, जो आपकी मर्जी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रखता हूँ एल डिस्टेंस,
ये पूरी एलिटिशन है, हमें ये बताना है हम कहां पे एक और चार्ज लाएंगे ताकि जो थर्ड चार्ज भी होगा ये सारे जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ क्यू वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू वन लेकिन अंडर रूट ऑफ क्यू टू माइनस अंडर रूट ऑफ क्यू वन इनटू एल दैट विल बी ठीक है ना डी स्मॉल डी से या कैपिटल डी जो आपके पास या एक्स से आप डिनोट करो एल से डिस्टेंस डिनोट करो या आर से उसके हिसाब से आपको जहां पे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहां तक क्लियर हो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2013 में जो क्वेश्चन आया है उस पर आते हैं फिर हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे नहीं और कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दो चार्ज हैं एक है प्लस क्यू दूसरा है प्लस क्यू हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है हमें बताओ किस पोजीशन किस डिस्टेंस पे हमें और एक चार्ज लाएंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे ठीक है ना। तो हमें भी लगता है ये भी सही है लेकिन हमें प्रूव देना है कि एल बाय टू यानी कि मिड वे पे लाएंगे है ना एल बाय टू डिस्टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एल है ये डिस्टेंस पूरी एल है तो हमने एक और चार्ज उठा के लाया है तो वो कहाँ पे रखा है फॉर एग्जाम्पल क्यों हम लाएंगे ये चार्ज हम कहाँ पे रखेंगे एल बाय टू पे एल बाय टू पे तो फिर क्या हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन कभी कभार ये होगा प्लस फोर या ये होगा प्लस थ्री ये होगा प्लस सेवन तब हम क्या करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जो हमने अभी मल्टा मेथड आपको जो स्पेशल केस बताया वहां पे मैंने क्या बताया हम लगाएंगे क्यू वन डिवाइड बाय हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है एंडो एंडो क्या करेंगे एंडो एल लगाएंगे अगर एल में है फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक ऑप्शन है एल बाय टू दूसरा ऑप्शन है एल बाय सिक्स तीसरा ऑप्शन है एल बाय सेवन चौथा ऑप्शन है एल बाय फोर एल बाय टू। तो हमारे हमें क्या है चार्ज क्या है क्यू वन दैट इज अंडर रूट ऑफ क्यू वन दैट वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू और वन प्लस वन इंटू एल दैट विल बी वन डिवाइड बाय टू इंटू एल दैट विल बी एल बाय टू मंटास ठीक है ना। या हम ये भी कर सकते हैं कोलंबस लॉ से करेंगे वो कैसे करेंगे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे है क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर जस्ट वेट हम एक चार्ज हमें प्लस क्यू तो हम ये देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है ये जो डिस्टेंस है ये हुआ एल माइनस एक्स है ना पूरा है एल हमने बताया कि हमने एक चार्ज लाया है जो क्यू है तो हमने इसको कहां पे रखा है यहां से कितनी दूरी है एक्स तो यहां से कितना होगा एल माइनस एक्स के क्यू क्यू दैट विल बी के क्यू क्यू अप ऑन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के क्यू दैट विल बी एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस तो एक्स स्क्वायर तो हम यहां पर लिख सकते हैं एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स तो यहां पर क्या करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स जब ये प्लस होगा देन एल इज इक्वल टू ये यहां आएगा ये होगा एक्स प्लस एक्स एल इज इक्वल टू टू एक्स एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू फर्स्ट केस। दूसरा क्या है जब ये माइनस होगा तो एल इज इक्वल टू माइनस एक्स तो ये यहां पर आएगा तो बनेगा प्लस एक्स plus x then l is equal to 0 which is not possible that means ki l is equal to x by 2 ye distance coulomb's law se agar hum karenge lekin agar hamare paas time nahi hai to short mein hum ye yahan se bhi kar sakte hain to hamare paas pehla question ye tha theek hai na bahut sare questions hum aise kar sakte hain hai ki nahi bahut sare questions kar sakte hain। dusra question hamare paas hai एक हमारे पास है प्लस क्यू चार है दूसरा हमारे पास एफ प्लस फोर क्यू सर अब तो समझ आ गया लेकिन अब क्या मसला है। अब हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन एल बाय थ्री
फ्रॉम क्यू, सेकंड ऑप्शन एल बाय थ्री फ्रॉम फोर क्यू, थर्ड ऑप्शन एल बाय टू फ्रॉम क्यू, फोर्थ ऑप्शन एल बाय टू फ्रॉम फोर क्यू। अब यहां पर नहीं लगाना, अगर मैंने पहले ही बताया आपको क्या होगा, फ्रॉम समार क्यू चार्ज, यानी कि दैट मीन्स या तो ये होगा ठीक है ना। एल बाई फोर हमें एक और चार्ज लाना है, हमें बताना है कि कहां पे लाएंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो देखो क्या होगा, वो दूर किससे होगा, समार चार्ज से। तो समार चार्ज क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू, तो फ्रॉम क्यू, तो दैट मीन्स ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो हम लगाएंगे वो शॉर्ट वाला मैथड क्या हमें बताता है कि हमें डी निकालना है ना, डिस्टेंस कहां पे हम रखेंगे ये चार्ज ताकि हम ये जो पुश दो पुश आएंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्यू वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू इनटू, हमें एल में दिया हुआ है डिस्टेंस, तो एल दैट इज इक्वल टू क्यू वन का वन डिवाइड बाय वन प्लस अंडर रूट ऑफ फोर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ फोर दैट विल बी टू दिस विल एल बाय थ्री। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, अगर हम इस मैथड से करेंगे। अगर हम दूसरे मैथड से करेंगे हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने एक चार्ज लाया है क्यों, हम कहते हैं कि जो ये है प्लस क्यू, जो एक चार्ज है यहां से डिस्टेंस है एक्स, तो यहां से क्या है एल माइनस एक्स है ना, पूरा है एल। तो यहां से ये बोल रहा हूं मैं कि जो हमारे पास क्यू चार्ज हमने लाया है ये इस चार्ज से कितनी दूरी पे है, एक्स टू दूरी पे है, तो इससे कितना है एल माइनस एक्स। तो हम ये बता सकते हैं ना कि दैट मीन्स कि हम यहां तक लिख सकते कोलंबस लॉ, अगर हम लगाएंगे दैट मीन्स डिस्टेंस, तो यहां पे क्या बनेगा के इनकी फोर के क्यू क्यू अपन एल माइनस एक्स का आएगा ना कोलंबस लॉ से, दैट इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, दैट मीन्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर है ना। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ना कि एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एक्स, प्लस माइनस टू एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू टू भी हो सकता है जब प्लस होगा, दैट मीन्स कि टू एक्स यहां आएगा, ये यहां आएगा प्लस, तो दैट मीन्स टू जब टू आए जब ये प्लस होगा एल is equal to 2x plus x, that means l is equal to 3x, इसके हम लिख सकते हैं x is equal to l by 3, ठीक। दूसरा जब माइनस होगा, जब ये माइनस होगा यानी कि माइनस 2x यहां आएगा प्लस x, that is equal to minus x, l is equal to minus x which is not possible, that is l by 3। तो यहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लेंथ है, अगर आपको वो नहीं आता है तो ये शॉर्टकट आपको करना है कहीं भी एग्जाम है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसी बेस पे, हमने तो किए हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव थे, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको लेट माइनस कुछ लगाएंगे माइनस नाइन क्यू है ना, माइनस नाइन क्यू, तो इसको हम मेंटल मैथ से करेंगे शॉर्टकट मैथ से, तो जो आपको कोलंबस लॉ से आप खुद करोगे, अगर आपको नहीं आया तो आप बता देना मुझे, ठीक है ना। देखो यहां पे हमें क्या लगाना है क्यू वन डिवाइड बाय, यहां पे याद रखना है क्यू टू माइनस अंडर रूट ऑफ क्यू वन,
ठीक है ना, ये गड़बड़ नहीं करना. इंडो एल फॉर एग्जाम्पल, एल में दिया हुआ है, ऑप्शन है. फर्स्ट है एल बाय टू फ्रॉम क्यू. सेकंड ऑप्शन है एल बाय टू फ्रॉम माइनस नाइन क्यू. तीसरा ऑप्शन है एल बाय थ्री, या छोड़ो ये, या आपको समझ आ गया, एल बाय थ्री, एल बाय फोर. तो चौथा हमारे पास है एल बाय सिक्स. तो कहां पे होगा, तो मेंडल मेथड लगाइए, दैट इज वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टू, दैट विल बी नाइन अंडर रूट ऑफ माइनस नाइन. इन क्या अंडर रूट ऑफ नाइन, दैट मीन्स कि थ्री माइनस वन, दैट इज वन, वन बाय टू इंटू एल. ठीक है, इंटू एल वन बाय टू, दैट इज इक्वल टू एल बाय टू. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेट, सेट. या आप वो लगा सकते हो, ये है एक्स, ये है एल माइनस एक्स. तो आप क्या लगाओगे, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, अब लगाओगे यहाँ पे के क्यू क्यू, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये फिर ये लगाओगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस नाइन प्लस माइनस थ्री, ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस, इट मीन्स के थ्री एक्स माइनस एक्स, ये यहाँ आएगा माइनस एक्स टू. तो यहाँ से ऑप्शन आएगा. तो ऐसे अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ और लगाएंगे जो आपकी मर्जी हो, यहाँ पे कुछ और लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल फोर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम प्लस चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे नाइन, तो वो आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, ये आएगा प्लस, ठीक है ना, क्यू वन प्लस क्यू टू. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ क्यू वन डेसिमल फोर टू, टू डिवाइड बाय टू प्लस थ्री इज फाइव, ठीक है ना, टू. ऐसा मतलब हम कर सकते हैं, मतलब कुछ इस हिसाब से, ठीक है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन, एक 2013 का क्वेश्चन, 2013 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम. हमें क्या दिया है, दो इक्वल चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू दो इक्वल चार्ज हैं. द सिस्टम ऑफ थर्ड चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन. हमें ये बताना है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आ जाएगा, कब आएगा, तब जो क्यू होगा स्मॉल चार्ज वो किसके बराबर होगा. देखो डायरेक्ट हमारे, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आए हैं. तो दो है पॉजिटिव चार्ज, हमें क्यू कहाँ पे रखना है, क्यू कहाँ पे रखना है, दो जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू रखनी है माइनस क्यू बाय फोर. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही है. तो ये क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, पूरे सिस्टम क्या रखना है इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये था 2013 नीट का क्वेश्चन. तो बहुत सारे हम क्वेश्चन आगे भी करेंगे, हम देखेंगे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे हम. अभी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना कोलम फोर्स निकालो एट पॉइंट यहाँ पे, या यहाँ पे कोलम फोर्स कितना होगा, ठीक है ना, या ऐसे बनाएंगे, फिर देखेंगे फोर्स कितना होगा, चार्ज डिफरेंट होंगे. तो ऐसे क्वेश्चन जो नीट में आई हुई हैं, डायरेक्ट थ्योरीज वगैरह, वो सारे हम करेंगे, या जेई में आए हैं या आई टी जे में आए हैं. तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म.